हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम इशाक है, आप लोग देख रहे हैं स्ट्रीट कार्स एंड बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं मेरा स्कूटी के लेकर वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरा स्कूटी आप लोग देख सकते हैं, स्कूटी पे प्लस मॉडल है। ये स्कूटी पे प्लस है। इसमें क्या है ना, ये स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है। रात को कुछ गड्ढा में गाड़ी गिरी थी, उस समय से ये काम करना बंद हो गया है। इसको मैं खोल के चेक कर लिया है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से खोल के चेक करने से इसको इधर मेरे को पता चला कि इसके अंदर से जो स्प्रिंग का लीवर आता है वो यहाँ से टूट गया है। तो इसलिए उसको निकाल के फेंक के फिर वापस ऐसे लगा दिया हूँ। आज उसको मैं चेंज करके दिखाने वाला हूँ। फिलहाल अभी मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, इसलिए मैं बाहर इसको मैकेनिक के पास लेके जाके करवाने वाला हूँ। वो भी कैसे करवाने वाला हूँ, ये फेयरिंग को निकालने का ज़रूरत नहीं है उस केबल को चेंज करने के लिए। सो वो क्या टेक्निक है आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको स्पीडोमीटर की हालत एक बार दिखा के उसके बाद वीडियो को शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा स्पीडोमीटर आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, साथ ही साथ आपको कैमरा में दिखा रहा हूँ कि मेरा स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है। आप अच्छा से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी स्पीडोमीटर का केबल को चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को साइड मिरर के पास दो स्क्रूज रहेंगे, उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, इन दोनों स्क्रू हटाने के बाद फिर हम लोग को नीचे तरफ जहां हॉर्न सेल्फ का और हॉर्न का बेस रहते हैं, उस जगह हम लोग को दो स्क्रू रहते हैं, उसको हटाना है। उसके बाद नेक के पास भी लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ हम लोग को दो स्क्रूज रहते हैं, उन दोनों को भी निकालनी है। तो ये सारा चीज़ निकालने के बाद हम लोग का टॉप वाइजर निकल जाएगा। धीरे धीरे करके हम लोग को आगे खींच के वाइजर को सामने कर लेना है और हेडलाइट का जो प्लग है उसको भी निकाल देना है। तो अभी इसको साइड में रख देंगे। अभी एक बार केबल का पोजीशन आपको बता देता हूँ। तो वो उस जगह अंदर डायरेक्ट मीटर में घुसा होता है, उसको निकालने के लिए हम लोग को एक कटिंग प्लेयर या नोज प्लेयर लेके घुमाने से वो बाहर निकल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, थ्रेडिंग दिया होता है, उसको थ्रेडिंग को पकड़ के घुमाने से स्पीडोमीटर का केबल मीटर से अलग हो जाएगा। तो निकल गया है। अभी नीचे तरफ हम लोग को जहां दूसरा एंड लगा होता है उस एंड को भी हम लोग को खोल लेना है। इस तरफ खोल के उसके खींचने से वो आ जाएगा। तो अभी हम लोग को नया केबल एक लेनी है। तो फ्रेंड्स, अभी जो नया केबल है वो पुराना केबल से पीछे से जोड़ देना है। तो देख सकते हैं, इस तरफ हम लोग ऐसा रख के अभी उसको टेप मार देंगे। अच्छा से टेप मार के उसको जोड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आराम से ऊपर से केबल को पुराना वाला खींच लेंगे, उसके साथ साथ नया वाला अंदर घुस जाएगा।
फ्रेंड्स, अभी हमारा केबल तो ऊपर तक पहुंच गया है। अभी पुराना वाला केबल को हटा देंगे टेप हटा के। फ्रेंड्स, अभी नया केबल को भी हम जैसा था वैसा स्पीडोमीटर में लगा देंगे। और नीचे तरफ भी हम लोग पहले जैसा था वैसा ही हम लोग लगा देंगे अभी। फ्रेंड्स, अभी एक बार चेक करके देख रहे हैं हम लोग ऊपर में सच में काम कर रहे हैं कि नहीं बोल के। तो ये स्पीडोमीटर तो काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा केबल पूरा तरह चेंज हो चुका है। काम तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी जैसा था वैसा हम लोग पूरा फेयरिंग को लगाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा इस वीडियो आपको पसंद हुआ है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।